साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खूब होंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर्स होगा मेरे दोस्त मेरे साथी, ऐसा डिजिट कोई भी संख्या का आपको क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लीजिएगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सपोज रटे हुए नहीं है तो आप निकालिएगा कैसे। सपोज हम आपको बता रहे हैं जैसे 12 का क्यूब करना है, 12 का क्यूब करना है तो इसका हमको 12 का क्यूब कितना होता है वो अभी छोड़ दीजिए, 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान में रखिए। जैसे देखिए एक और दो, दो डिजिट मिलकर ही 12 का निर्माण हुआ है ना, तो एक को हम अलग लिखेंगे और दो को अलग लिखेंगे, ठीक है। और एक का क्यूब करेंगे तो एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है। फिर ये दो, दो का क्यूब करेंगे, दो का क्यूब कितना होता है, आठ होता है, ठीक है। अब जो ये पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है इसको स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करके इससे गुना कीजिए, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, और एक गुने दो क्या हो जाएगा, एक गुने दो दो ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो है, दो का स्क्वायर गुने एक करना है, क्या करना है, दो का स्क्वायर गुने एक, तो दो दूना चार, चार गुने एक कितना हो जाएगा, चार ही हो जाएगा। अब नीचे में देखिए इसका दो गुना लिखना है तो दो दूना चार, इसका दो गुना लिखना है तो चार दूनी आठ, ठीक है। अब सबको जोड़ देना, ये आठ है तो आठ लिख दीजिए, ये आठ चार बारह के दो लिखिए, हासिल हासिल हो जाएगा आपका एक। फिर चार आ दो छः और एक सात, हासिल नहीं है फिर एक, तो यही होता है 1728। आपको पता होगा कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। और इस तरीके से आप कोई भी डिजिट का क्यूब याद रख सकते हैं, ठीक है। क्यूब आपको मैंने स्क्वायर के बारे में बताया ही था, क्या बताया था स्क्वायर के बारे में, जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है वो ठीक है, लेकिन सपोज हमें याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 12 का जो स्क्वायर है वो ए बी फार्मूला पे निकालेंगे, ठीक है। ए बी फार्मूला पे निकालेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए बी फार्मूला यानी ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम इधर से प्रोसेस को शुरू करेंगे, ठीक है। अगर हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ए का स्क्वायर जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी दो दो ना चार, टू ए बी, तो दू दू एकम दू अगुने दो तो चार, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। देखिए ये कैसे आया, जैसे इसको हम मानने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये चीज़ें चली है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए को हमने दो माना है तो दो का स्क्वायर चार हुआ, हासिल रहेगा तो हासिल अगले वाले में जोड़ेंगे, हासिल नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। प्लस टू ए बी, तो दो दो दो, पहले ए बी, ए बी को दो से गुना कर देंगे तो टू ए बी हो जाएगा, तो ए बी तो दो गुने एक दो, और इसको दो से गुना करेंगे तो दो दूना चार, तो यही चार हमने लिख दिया। प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 144 आ गया ना। तो इस तरीके से कोई भी क्यूब हो या स्क्वायर हो आप याद रख सकते हैं। अगर स्क्वायर निकालने की बात है तो ए बी फार्मूला पे आप निकालिए, और क्यूब निकालने की बात हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट का क्यूब और टेंस डिजिट का क्यूब, और जो बीच वाला है उसका स्क्वायर करके अगले वाले से गुना, जैसे एक का स्क्वायर तो करके दो से गुना, फिर दो का स्क्वायर करके एक से गुना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स और भी आपको देते हैं। जैसे देखिए हमको क्या करना है, मान लीजिए 53 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर, तो ए बी फार्मूला यूज कीजिए, इसको ना ए बी फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर तीन, टू ए बी तो पाँच आई पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस के जीरो, हासिल तीन, प्लस बी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर यानी पाँच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस और तीन अट्ठाईस, देखिए अट्ठाईस सौ नौ है ना। अब हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि वास्तव में 53 × 53 2809 आता है। तो देखिए हम गुना करते हैं 53 × 53 नॉर्मल चीज़ से, जैसे हम लोग बचपन में सीखते आए हैं, तो तीन तिहाई नौ, पाँच तिहाई पंद्रह, पाँच तिहाई पंद्रह के पाँच हासिल एक, पच्चीस पच्चीस और पच्चीस और एक छब्बीस, ठीक है, जोड़िए नौ, पाँच पाँच दस, छः सात और एक आठ, और ये हो जाएगा दो, 2809 आ गया ना, ठीक है। ये आपका स्क्वायर वाला बहुत इजी होना चाहिए। चलिए स्क्वायर में और भी देखें, जैसे आपके मन में क्या है कि चलिए 87 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 87 का स्क्वायर, हमें याद नहीं है। सपोज हमने रटना 1 से 40 तक तो आपको याद होने चाहिए, ऑरली आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं भी होता है तो आप ए बी फार्मूला पे आप इसको बना सकते हैं, कैसे करके ए बी फार्मूला पे, तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 के नौ हासिल चार, टू ए बी 8 7 56, 56 दूनी कितना 112, 56 दूनी 112, 112 और 4 100,
116 के 6 हासिल 11, 116 एक एक 6 लिखा था ना, तो 6 हो गया आपका हासिल हो गया 11 प्लस बी स्क्वायर 8 8 64 और 11 क्या होगा 64 74 74 और 75। देखिए 75 से 69 आ गया ना, ये आया ना आपको नॉर्मली आपको मैं बताती हूँ जिस तरीके से हम लोग बचपन से गुना करते हुए आए हैं वो देख करके कि वास्तव में हमारा 75 से 69 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 87 का स्क्वायर कीजिए, 87 का स्क्वायर कीजिए, 849 के 9 हासिल 4, 856 460 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 856 के 6 हासिल 5, 8 8 64 64 और 5 69 क्या हो जाएगा 69 जोड़िए 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9 6 15 के 5 6 और 1 7 75 से 69 आ गए। बिल्कुल आप इस तरीके से बना सकते हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। मैथ मीन्स प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मीन्स मोर बेनिफिट्स इन कैलकुलेशन स्पेशली। तो अगर क्यों करना है, मान लीजिए क्यों आपके मन में क्या आ रहा है, चलिए 93 का क्यों करते हैं, 93 का क्यों हमें याद नहीं है 93 का, भाई 93 गुने 93, जैसे देखिए 93 गुने 93 गुने 93 है ना, 3 बार कौन गुना करेगा, ऐसे आते हैं ना, देखते हैं ना क्या होता है। चलिए 93 का हम क्यूब करते हैं, इसका क्यों कीजिए, इसका क्यों कीजिए, चलिए 3 का क्यों क्या क्या होता है हम जानते हैं कि 3 का क्यों क्या होता है, 9 3 27 27 होता है, 9 का क्यों याद है आपको, 9 2 81 81 729 729, अगर याद है तो ठीक है 9 का क्यों, अगर याद नहीं है तो पहले क्यों आप किस तक तो याद कर लीजिए। अगर मैं कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव बहुत फास्टली बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, स्पेशली CI चैप्टर जब बनाएंगे तो इन चीज़ों का इतना यूज़ होगा आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत जल्दी बन पाएगा, ठीक है। इसका क्यों कीजिए, इसका क्यों कीजिए, अब क्या करना है जो बीच वाला है इसका स्क्वायर करके अगली संख्या से हमें गुणा करना है, तो 9 का स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर गुणे अगली संख्या क्या है 3, तो 9 2 81 81 3 और 8 3 24 243, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करके क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके पिछली वाली संख्या, पहले हम इसका काम करेंगे तो इसका स्क्वायर करके अगली वाली संख्या, अगर इसका काम करेंगे तो इसका स्क्वायर करके अगली वाली से गुणा, 3 का स्क्वायर गुणे 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 3 9 9 81। अब इसका दोगुना कर दीजिए, 243 दुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 486, 81 दुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 16 162। अब सबको जोड़ना है मेरे दोस्त, मेरे साथी जोड़ में भी बहुत ध्यान रखना आपको, जैसे देखिए ये 27 है ना, 27 है ना, तो सब ये 1 मिनट, तो मेरे दोस्त मेरे साथी ये 27 है ना, तो 27 में 7 लिखेंगे, हासिल क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा हासिल हमारा 2। अब ये दोनों को जोड़िए, 162 और 81 क्या हो जाएगा 2 1 3 8 6 14 और 1 1 2, 243 में 2 जोड़ेंगे 245, 245 में क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, हासिल क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 243 में 486 को जोड़ेंगे, 243 में 486 को जोड़ेंगे, 6 3 9 8 4 12 8 4 2 6 1 7, ठीक है 729 का 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, 729 का 9 हासिल क्या हो जाएगा 72। अब देखिए 729 में 72 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 729 में 72 जोड़ेंगे, 9 2 11 7 2 9 1 10, 7 और 1 8 801 हो जाएगा मेरे दोस्त 801। अब 93 का क्यों करके देख लीजिए, 801 9 3, यही आपका आंसर हो पाएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम देने वाला है आपकी कैलकुलेशन में, आपके जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसमें। तो इस वीडियोस में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं दूसरा वीडियो जरूर देने का प्रयास करूंगी, इसके लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।